श्रीगंगानगर के घड़साना में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए समाजसेवी अरविंद घंटेलवाल के द्वारा समूचे इलाके में निशुल्क मास्क वितरित किए जा रहे हैं। समाजसेवी अरविंद के द्वारा अब तक क्षेत्र में 10,000 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने ये बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित के संपर्क में आने से फैलता है, ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखें और मुंह पर हमेशा मास्क पहनकर रखा जाए। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद कोरोना वायरस के बचाव के लिए बार बार ये अपील की जाती है कि इलाके में मास्क का वितरण करना चाहिए और घर में रहकर सुरक्षित रहना चाहिए। उसी को लेकर एक सामाजिक सरोकार को निभाते हुए युवक द्वारा इलाके में लगातार मास्क का वितरण किया जा रहा है। तमाम चौक चौराहे, धान मंडी, बस स्टैंड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 10,000 मास्क युवक द्वारा वितरण किए जा चुके हैं। युवक अरविंद घंटेलवाल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। अरविंद जी, आपको ये मास्क वितरण करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बार बार सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, तब भी मुझे लगा कि क्यों ना इस महामारी के बचाव के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए और सभी को मास्क बना बनाकर बांटे जाए ताकि इस महामारी से बचाव किया जाए। बिल्कुल, वैश्विक महामारी के बचाव के लिए इलाके में मास्क का जो वितरण है वो किया जा रहा है। वहीं तमाम लोगों से एवन टीवी आग्रह करता है कि आप घर पे रहें ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके। मैं मेरे कैमरामैन धीरज के साथ विकास परिक, एवन टीवी घड़साना।